हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग साउथ कोरिया की जॉब्स के हवाले से बात करेंगे। पिछली एक साउथ कोरिया की वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था विज़िट वीज़ा के हवाले से। विज़िट वीज़ा में भी थोड़ी सी चेंजेस हैं, हर कंट्री के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसा कि अगर आप पाकिस्तान से साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हो टूरिस्ट बेस पे, तो आपको वहाँ से एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। और अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप यूएई में रहते हो और यूएई से अप्लाई करना चाहते हो साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा, तो भी आपको जो है वो इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपकी नेशनलिटी कोई भी हो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि साउथ कोरिया में जॉब्स के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किए थे मुझसे, पूछा था कि क्या जॉब्स वहाँ पर मिलती हैं या नहीं मिलती। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, आप वहाँ पे आके पैसा नहीं कमा सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, साउथ कोरिया एक डेवलप कंट्री है, जॉब्स और अर्निंग के हवाले से वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट आप कमा सकते हो साउथ कोरिया जाके, ठीक है। अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती है। पाकिस्तानीज़ के लिए तो एक अलग क्राइटेरिया है, जो पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पर ही उनकी जो जॉब्स वगैरह है वो आती हैं। वहाँ पर आपने रजिस्टर्ड करना होता है OEC, जो है वो ओवरसीज़ एक्सचेंज कमीशन, एक अदारा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, तो उसकी ऑनलाइन जाके आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, बहुत कम पैसे लेते हैं वो, ठीक है। उसकी बेस पे थोड़े से टेस्ट वगैरह भी होते हैं, वो टेस्ट वगैरह पास करके और उस बेस पे वो गवर्नमेंट के थ्रू आप वहाँ जा सकते हो जॉब्स डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना ये साउथ कोरिया या जापान वगैरह या चाइना वगैरह जाने की, वो है आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, कम से कम आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उनकी लैंग्वेज की। अगर आप प्लान करते हो साउथ कोरिया वगैरह जाने का, अपना करियर बनाने के लिए, कोई जॉब हासिल करने के लिए, काम के लिए, तो सबसे पहले आप उनकी लैंग्वेज सीखो और कम से कम आप बेसिक सीखो। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ लैंग्वेज सीखने में, उसमें तो बहुत सारा टाइम आपका जो है वेस्ट होगा। कम से कम 6 महीने आप वहाँ पर लगाओ लैंग्वेज सीखने के लिए। हर कंट्री में जो है वो लैंग्वेज सेंटर्स होते हैं, दुनिया भर की लैंग्वेजेस जो है वो सिखाई जाती हैं। जब आपके पास लैंग्वेज होगी साउथ कोरिया की या जैपनीज़ या चाइनीज़, तो इन कंट्रीज़ में जाके आपको बहुत इजीली जॉब मिलती है और अच्छी जॉब मिलती है, और उस जॉब की बेस पे आप 3-4 लाख रुपया आराम से कमा सकते हो अगर आप थोड़े एजुकेटेड हो तो। अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हो और आपने लैंग्वेज सीख ली, आपके पास कोई हुनर है, उस बेस पे भी आप वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। 1.5-2 लाख रुपया वहाँ पे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर भी वही है लैंग्वेज की। लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती होगी तो इन कंट्रीज़ में जाना बेकार है, कम से कम बेसिक आपने सीखनी है। और जब इन कंट्रीज़ में आप जाते हो, वहाँ पे ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, ऐसे जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बने होते हैं वो जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए, जहाँ पे फ्री लैंग्वेज कोर्सेज कराए जाते हैं, फ्री जो है वो आपको क्लासेस दी जाती हैं, बहुत सारे हुनर वहाँ पे सिखाए जाते हैं, टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सब चीज़ों के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज का बेसिक आप सीखें। आपकी अपनी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूट होते हैं, हर कंट्री में इंस्टीट्यूट मौजूद होते हैं और दुनिया भर की लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। अभी बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स पूछते थे अज़रबैजान जाएँ वहाँ पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तुर्की जाएँ वहाँ पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आर्मेनिया, जॉर्जिया, तो इन कंट्रीज़ में भी जॉब्स होती हैं, जॉब्स मिलती हैं, अच्छा खासा पैसा आप वहाँ भी कमा सकते हो। लेकिन बैरियर है सबसे बड़ा, वो यही है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इंग्लिश नहीं चलती, बहुत कम चलती है। जब आप वहाँ पे जॉब के लिए जाते हो, रशिया वगैरह भी आप अगर जॉब के लिए जाते हो, काम के लिए जाते हो, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। जब तक आपके पास वहाँ की थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होगी लैंग्वेज की, बेसिक लैंग्वेज आपको वहाँ की नहीं आती होगी, एडवांस तो फिर वहाँ पे रहते रहते बंदा सीख ही जाता है, या वहाँ पर जाके लैंग्वेज वगैरह का जो है वो कोर्स कर सकता है किसी इंस्टीट्यूट से, लेकिन बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। जब आपको बेसिक आती होगी तो उस बेस पे आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कोई अच्छी जॉब मिलने की। बहुत सारे लोग जाते हैं बग़ैर लैंग्वेज के जाते हैं, क्वालिफाइड भी नहीं होते इतने ज़्यादा, वहाँ जाके फंस जाते हैं, इन कंट्रीज़ में जाके फंस जाते हैं, क्योंकि उनको जो स्टार्ट में काम दिया जाता है वो काम बहुत ही लो लेवल का होता है, उसकी बेस पे सैलरीज़ वगैरह उनको अच्छी नहीं मिल रही होती हैं, तो वो लोग वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। तो
इन कंट्रीज़ में अगर आप प्लान करते हो जाने का, या यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अगर आप जाते हो, हालांकि वहाँ तो बहुत सारे आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वगैरह मिलते हैं, नेपाली वगैरह, तो लैंग्वेज वहाँ पे उन लोगों के साथ अगर आपको काम मिल जाता है तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता प्रॉब्लम, क्योंकि वो सालों से वहाँ पर रह रहे होते हैं। लेकिन फिर भी उन कंट्रीज़ की भी लैंग्वेज जो है वो अलग होती है। तो लैंग्वेज के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जब आप नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ में जाते हो। इंग्लिश तो फिर बंदा टूटी फूटी बोल ही लेता है, ठीक है, बिल्कुल जो है जिनकी एजुकेशन लेवल लो भी होता है वो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल ही लेते हैं। लेकिन जो रशियन लैंग्वेज जहाँ जिन कंट्रीज़ में चलती है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रशियन लैंग्वेज चलती है, ठीक है। अब आज़रबाईजान वगैरह हो गया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यहाँ भी थोड़ी बहुत रशियन चलती है, क्योंकि किसी ज़माने में ये सब एक यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के अंडर में आती थी ये सारी कंट्रीज़, ठीक है। कुछ ना कुछ इनके ऊपर जो है वो सोवियत असर था, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी कुछ सोवियत असर था, उनके अंडर में आती थी, तो रशियन लैंग्वेज वहाँ बहुत ज़्यादा चलती है। तो अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो तो रशियन सीखो, आप रशियन आराम से सीख सकते हो। अब हर कंट्री में जो है वो लैंग्वेज सेंटर्स मौजूद होते हैं, तो उनके थ्रू आप रशियन लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आप चाइना जाना चाहते हो, चाइनीज़ सीखो, बेसिक सीखो। मैं ये नहीं कहता कि वो उसमें राइटिंग वगैरह आपको नहीं सिखाई जाती, लेकिन आपको बोलना सिखाया जाता है और अल्फाज वगैरह समझना सिखाया जाता है, और कोरियन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल जो है वो अच्छे लेवल पे सिखाई जाती है कोरियन लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कोरियन गवर्नमेंट का आपस में मैन पावर को लेके, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छे खासे इंस्टीट्यूट हैं, इंडिया वगैरह में भी आप सीख सकते हैं, दुनिया भर में होते हैं इंस्टीट्यूट। तो आप कम से कम बेसिक सीखो। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जाना है, तो आप लैंग्वेज ज़रूर सीखो। लैंग्वेज की बेस पे आपको अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है। जॉब्स मिलती हैं, जॉब्स मौजूद होती हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास लैंग्वेज नहीं होती उन कंट्रीज़ की, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होती है। फिर आप वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं बगैर लैंग्वेज के, जिनके पास लैंग्वेज नहीं होती, फिर वो वहाँ से जो है वो नेगेटिव बातें जो है वो फैला रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, यहाँ पर कोई जॉब्स नहीं है, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं होती, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, वो अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहे होते, फंस जाते हैं वहाँ पे जाके, इसलिए वो लोग नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। तो अगर आप प्लान करते हो तो पहले आप बेसिक लैंग्वेज सीखो इन कंट्रीज़ की। आप रशियन लैंग्वेज सीखो, अगर आपको रशिया जाना है, या रशिया के बॉर्डर के साथ जो कंट्रीज़ हैं, आज़रबाईजान हो गया, या जॉर्जिया, आर्मेनिया हो गया, या बल्गेरिया हो गया, या बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी जहाँ पे रशियन लैंग्वेज चलती है, ठीक है। यूक्रेन में भी रशियन लैंग्वेज चलती है, यूक्रेनियन भी चलती है और रशियन भी चलती है। बेलारस एक कंट्री है, वहाँ पे भी जो है वो रशियन चलती है, और कुछ और जो यूरोपियन कंट्री है, लटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, वहाँ पे रशियन लैंग्वेज चलती है, ठीक है। उसके अलावा एस्टोनिया है, वहाँ पे भी रशियन लैंग्वेज चलती है, ठीक है। अगर आपके पास रशियन होगी तो आप आगे बढ़ सकते हो, और रशिया से आप आगे मूव हो सकते हो, और इन सब कंट्रीज़ से आप आगे मूव हो सकते हो, लेकिन आपके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए उन कंट्रीज़ में। पहले आपने अपने पैर वहाँ पे जमाने हैं, जब आपके वहाँ पे पैर जम जाएंगे, आपके पास अच्छी जॉब होगी, आप अर्निंग कर रहे होगे किसी भी कंट्री में। ऐसा नहीं है कि आर्मेनिया में जॉब्स नहीं हैं, लेकिन लोग क्यों रो रहे होते हैं, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आ रही होती, इसलिए उनको कोई साफ़ सुथरी अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती। जॉर्जिया वगैरह चले जाएँ, आज़रबाईजान में लोग बहुत परेशान होते हैं, परेशान इसीलिए होते हैं जॉब्स नहीं मिलती हैं, जॉब इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती। जब आपके पास लैंग्वेज होगी ना किसी भी कंट्री की, तो आपके लिए आसान हो जाता है जॉब मिलना। और जो कोरिया वगैरह है, जापान वगैरह, वो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे अच्छी जॉब्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हो तो इनकी लैंग्वेज का बेसिक सीख लो कम अज़ कम। जब आप बेसिक सीख के वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर जाके अप्लाई करोगे, लोकल वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको हायर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसा ही नहीं है कि आप चले जाओगे और आपको जॉब मिल जाएगी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी जो ऑफिशियल वेज हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो पाकिस्तानी लोग जाना चाहते हैं, OEC के ज़रिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने आप को। जब जॉब्स वगैरह वहाँ पे आती हैं तो उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारा कुछ क्राइटेरिया होता है, उसकी बेस पे जो है वो बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग में आपका नाम आता है तो आपको गवर्नमेंट ही आपको वहाँ पे भेज देती है डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे कोरिया, ठीक है। तो इन बातों का आप ख्याल रखें, और लैंग्वेज पे अपना जो है वो थोड़ा टाइम दें। जब आप टाइम लैंग्वेज पे देंगे
और सीख लेंगे लैंग्वेज, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप जाके वहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हो। 2-4 लाख रुपए कमाना बाहर जाके कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आपके पास राइट पैथ होना चाहिए, सही रास्ता होना चाहिए, सही गाइडलाइंस होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें आपके पास नहीं है, क्योंकि आप नए होते हो, एक किसी कंट्री में जाते हो, आपको उस कंट्री के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, फिर वो कंट्रीज जो है इंग्लिश नहीं होती हैं, इंग्लिश नहीं चल रही होती, आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं चल रही होती, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप एक लैंग्वेज ऑलरेडी उस कंट्री की सीख के जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। वहाँ पर जाके बहुत सारे मौके मिलते हैं काम करने के। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, कोई बोल रहा है कि यहाँ जॉब्स नहीं है, यहाँ पे काम नहीं है, सैलरी नहीं मिलती, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। काम हर जगह होता है, दुनिया भर में काम होता है। ज़रूरत इस बात की होती है कि सही तरीके से आप प्रिपेयर होके जाएं, और वहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के बाद आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से अपना दिमाग लड़ा के आप जो है वो काम सर्च करें, ठीक है। फिर आपको काम भी मिल जाता है, आपकी TRC भी बन जाती है, आपकी PR भी बन जाती है, आपको नेशनलिटियाँ भी मिल सकती हैं, अगर आप प्रॉपरली एक सही रास्ते पे चल के उन सब चीज़ों को जो है वो पाने की कोशिश करो।